हिमाचल विधानसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न होने के बाद नतीजे आने में लगभग एक महीना बाकी है। ऐसे में प्रदेश के नेता चुनाव कैंपेन की थकान मिटाने में जुट गए हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समीरपुर में अपने निवास स्थान पर दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, जहां उनसे मिलने के लिए प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जो पूर्व सीएम को अपने अपने इलाके का फीडबैक दे रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के उस बयान पर चुटकी ली है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के 60 प्लस के दावे को हकीकत से परे करार दिया है। बीजेपी वाले सोचते हैं उनके सपने ऐसे होंगे, स्वाभाविक है, राजनीति में हर किसी को जो चुनाव लड़ता है अपनी जीत की आशा होती है। मुख्यमंत्री के अपने बारे में सोचने का अधिकार है, हमारे लोगों को अपने बारे में सोचने का अधिकार है। लोकतंत्र में इन बातों पर कोई झगड़ा नहीं, चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, परिणाम सबको अपनी हकीकत दिखा देंगे, आईना तो 18 दिसंबर को नजर आएगा। प्रेम कुमार धूमल ने रिकॉर्ड वोटिंग के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया, साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। देखिए, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आता, हर किसी पार्टी में हर किसी कार्यकर्ता के माध्यम से जो फीडबैक आता है वो पॉजिटिव ही आता है। कुल मिला के असेसमेंट हमारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत रही है और इस बार एक नया इतिहास जीत का दर्ज। पूर्व सीएम ने हमीरपुर के गांधी चौक पर महात्मा गांधी की मूर्ति से छेड़छाड़ पर निंदा व्यक्त की है और घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, जी मीडिया।